पकाड़ा यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल होती है। वो जो सीन रिकॉर्ड हुआ है वो एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने हमारे पास FIR कर दी है, हमारे नोटिस जारी किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ उगाड़ा के स्टाफ का ये कहना है कि वो वीडियो वायरल भी आप करते हैं। हमें अलाउड नहीं होता कि किसी की प्राइवेसी को लीक करें। आईफोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, वो उसमें जूम किया हुआ है। वैसे वो जूम नहीं होता, लड़की का आईफोन मतलब कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई है, वो नीचे उसकी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फहद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन पहले उगाड़ा यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल होती है। वो वीडियो कौन बनाता है, किसके ड्रोन से बनती है, मेरे साथ अलीशान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं तमाम तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार अलीशान, ये बताएं कि उगाड़ा यूनिवर्सिटी में जो वीडियो वायरल होती है वो कौन बनाता है और किसके ड्रोन से बनती है? बनाई तो मैंने है भाई, तो लेकिन मुझे उधर स्टूडेंट है लड़का अली रज़ा, वो दोस्त भी है, जानने वाला भी है, उसने इनवाइट किया था मुझे कि भाई आपने इधर आके कवरेज करनी है हमारी ड्रोन में, ड्रोन पे। आप वहाँ के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं, मैं एज ए वेडिंग्स कैमरा मैन हूँ जी। ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया, हम गए हैं उधर, काम किया है अपना, काम करके उनको डाटा दिया स्टूडेंट्स को, तो हम अपना काम करके वापस आ ये गए। किस दिन का वाक़ है? ये है फ्राइडे का वाक़ है, 12 तारीख को। जब आप गए हैं किस तरह अंदर गए हैं यूनिवर्सिटी में? आउटसाइडर तो वो जाने नहीं देते, किस तरह आप चले गए हैं? हम अंदर गए हैं, उधर गार्ड खड़ा हुआ था, गार्ड को हमने कैमरामैन का अपना कार्ड दिया है, OCM का हमारा कैमरामैन का कार्ड बना होता है, वो कार्ड दे के हम एंटर हुए हैं उधर। गार्ड ने हमें रोका, कार्ड दिया, एंट्री की है, उधर जाके काम किया, डाटा दे के हम वापस आ गए बस। ये किस टाइम, वो टाइम क्या था जब ये वीडियो बनी और कितनी दिन के बाद ये वीडियो वायरल होती है? 12 तारीख फ्राइडे का दिन था जो वो वीडियो बनी, ये टाइम तो नोट नहीं, हम मतलब नोटिस नहीं किया उस टाइम को, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है वो दूसरे दिन वायरल हो गई थी। मतलब कि फ्राइडे वाले दिन बनी है और सैटरडे को ये वायरल हो जाती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ उगाड़ा के स्टाफ का ये कहना है कि वो वीडियो वायरल भी आप करते हैं। देखें, हमारा वेडिंग्स का काम है, हमारे पास इतनी प्राइवेसी होती है, ठीक है, हमें मतलब कि इस चीज़ का हमें मतलब कि है कि हमारे पास इतना काम होता है, ठीक है, हमें अलाउड नहीं होता कि किसी की प्राइवेसी को लीक करें, ठीक है। जब आपने वो वीडियो बनाई आपको पता नहीं चला कि ऊपर इस तरह की हरकत हो रही है, हम ये कैप्चर कर रहे हैं? देखें, वो मैं ना उधर एकेडमिक ब्लॉक का व्यू ले रहा था बिल्डिंग का, नीचे मोबाइल हीटअप हो गया, हीटअप होने की वजह से उसकी फुल ब्राइटनेस लो होगी, जिसकी वजह से मुझे व्यू नज़र नहीं है। वो जो व्यू 2-3 सेकंड का बना है वो एक्सीडेंटली बना है, वो मैंने नोटिस नहीं किया उस चीज़ को। जब आपने ये सारी कवरेज कर ली उसके बाद आपने डाटा देखा नहीं है? नहीं, मैंने डाटा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि हम जो हमने डाटा मिक्सिंग करना होता है ना, वो हम आके डाटा चेक करके मिक्सिंग करके देते हैं, क्योंकि वो कॉलेज का डाटा था, यूनिवर्सिटी का वो मिक्सिंग करने वाला नहीं था, वो इसलिए ऐसे ही उनको दे दिया डाटा। जो दूसरे अफराद हैं जो हरकत कर रहे हैं उन पे अभी तक क्या सीन है, वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? आप पे FIR हुई है और आप किस तरह फेस कर रहे हैं? देखिए, हम तो मतलब दिहाड़ीदार बंदे हैं, जैसे कि क्या जो ड्रोन था वो मैं अपना रेंट पे लेके आता हूँ, ठीक है, मेरा अपना ड्रोन नहीं है, कैमरा कोई भी, मैं जो भी है रेंट पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो मतलब उधर था जोड़ा, हमें नहीं पता वो कौन था कौन नहीं, वो जो सीन रिकॉर्ड हुआ है वो एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ है, तो इस चीज़ का हमें इलम नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ अपना काम करना था, जाके काम करके स्टूडेंटों को डाटा दिया है, और अपना गार्ड से जो जब वापस आ रहे हैं एंट्री, तब हमने गार्ड चेंज था, गार्ड से हमने कार्ड लिया है अपना। अच्छा अलीशान, ये बताओ FIR कितने बंदों पर होती है और किस तरह होती है? FIR जो है ना 3 बंदों पर हुई है, ठीक है, उसमें जो लिखा है FIR करवाने वाला वो वकार है, ठीक है। अब ये नहीं, वकार कौन है? अब ये तो हमें पता नहीं कि वकार कौन है, उधर 2 वकार थे, एक सिक्योरिटी वाला था और एक दूसरा वकार था, अब ये नहीं पता कौन वकार है। ठीक है, अच्छा वो वीडियो किस तरह वायरल होती है, इसके अबाउट थोड़ा सा बताएं हमें। हमने देखें फ्राइडे को डाटा बनाया, डाटा मतलब कि आके डाटा उनको दे दिया है, दूसरे दिन हमें पता चलता है सैटरडे वाले दिन के वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ठीक है। जब हमने वीडियो देखी है वो सोशल मीडिया पे, वो ऐसे रिकॉर्ड हुई है कि किसी ने आईफोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, वो उसमें जूम किया हुआ है, वैसे वो जूम नहीं होता है, ठीक है, वो किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जूम किया हुआ है उस वीडियो पे, नीचे उस लड़की की पता नहीं लड़की का आईफोन मतलब कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई है, वो नीचे उसकी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं। वो लड़की का पता चला कौन है वो? ये हम कुछ नहीं कह सकते कौन है लड़की कौन है।
सही जी। अच्छा, अब ये बताएं वो तीन बंदे कौन है जिस पे FIR होती है? तीन, पहले पहले जो है ना उधर स्टूडेंट है अली रज़ा, दूसरा मैं कैमरा ऑपरेटर, और तीस है सोमिया। वो सोमिया कौन है? सोमिया जब डाटा लीक हुआ है ना, तो मतलब उधर हमारे साथ काम करती है, फोटोग्राफर है, एज ए फोटोग्राफर है। तो उधर डॉक्टर अमजद ने हमें कॉल की कि ऐसे आप लोगों ने वीडियो वायरल की है, तो डॉक्टर अमजद वहां पे क्या है ये तो नहीं पता हमें। जी, बताएं। मतलब डॉक्टर अमजद ने कॉल की है, तो मतलब कि हम गए हैं उधर, मैंने फोटोग्राफर को भी लिया है सोमिया को, उधर गए हैं हम। मैंने कहा कि चलो सोमिया हम बात करने जाते हैं। वो उधर हम सारा कुछ अपने जो हमने किया था उधर, जो भी हुआ है, हम सारा रिकॉर्ड उनको दिखा के हैं कि सर बाई चांस हुआ है उधर। गार्ड भी था उधर, सिक्योरिटी इंचार्ज जो था वकार गुजर, ठीक है, डॉक्टर अमजद था, और भी ये दो तीन लोग थे जो मतलब उधर यूनिवर्सिटी के इंचार्ज होंगे। हमने सारा कुछ उनको प्रूफ दिया है कि सर ये एक्सीडेंटली मतलब कि हुआ है, हमने वायरल नहीं किया, तीसरे बंदे ने वायरल किया है, फिर भी उन्होंने हम पे मतलब कि FIR करवा दी है, सारा सबूत देने के बावजूद। उनका ये भी कहना है कि ये विदाउट परमिशन चलाया गया है। विदाउट परमिशन तो ऐसे होता है ना कि हमने मतलब कि एंट्री नहीं की हो, एंट्री हमने कार्ड दे के एंट्री की है, CCTV उधर लगे होंगे, CCTV चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के गार्ड पे, ठीक है। अंदर जाके हमने बना रहे थे, जब सिक्योरिटी वाले भी उधर घूम रहे थे, दिख रहा था उनको भी, ड्रोन चल रहा है, वीडियोज़ बन रही है, मोबाइलों पर बन रही है, स्टूडेंट भी थे, एक नई डिपार्टमेंट भी, काफ़ी डिपार्टमेंट की फेयरवेल थी, लास्ट डे था, उनको भी दिख रहा था ड्रोन चला है, फिर उस वक्त इन्होंने बात नहीं की। जब ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद जब आपके आप पे FIR होती है तब जाते हैं या उससे पहले जाते हैं? FIR से पहले? FIR से पहले हम सारे सबूत उधर लेके गए हैं, उनको सारा कुछ दिखाया है कि सर ऐसे हमें एक्सीडेंटली वीडियो मतलब कि बनी है, एक्सीडेंटली हमने डाटा दे दिया है, तो हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना काम करने गए थे। कैमरामैन का यही काम होता है, काम किया, जो पार्टी को डाटा दे दिया, डाटा दे के अब वो जाने पार्टी जाने। अगर आपको उस क्लिप के बारे में पता होता तो क्या आप उसको दबा लेते, शो करते, किस तरह आप उसको देखते? देखिए, अगर हमें पता होता तो हम इस चीज़ को, कि वो सरकारी अदारा है, हमें तो मतलब कि इस चीज़ को वायरल नहीं करना था, पहली बात तो ये, ठीक है ना, किसी को हमने दिखाना था ये चीज़, हमने वैसे ही मतलब कि ख़त्म कर देनी थी। जो आपने अली रजा को भेजी है, अली रजा ने भी नहीं देखी? अली रजा ने वैसे फॉरवर्ड कर दी? क्योंकि वो 40-50 स्टूडेंट थे, लास्ट डे था उनका, वो कैर बार बार कॉल कर रहे थे कि हमें भाई वीडियो सेंड करो, पिक्चर सेंड करो हमारी, क्योंकि हमने मतलब कि लास्ट डे था, हमने स्टेटस लगाना है उसी वक्त, तो इसलिए उनको डाटा देना पड़ा हमें, हमने चेक नहीं किया। अभी यूनिक इंतजामिया आपके साथ क्या तावन कर रही है और पुलिस का क्या तावन है आपके साथ? पुलिस ने हमारे पास FIR कर दी है, हमारे नोटिस जारी किया था, हम गए हैं उधर, अपनी जमानतें करवाई हैं, 2 तारीख का हमें टाइम मिल गया उधर। सही, तो आगे क्या लायामल होगा? आगे हम यही गुजारिश करते हैं वज़ीरे आला से कि इन्होंने बेफजूल हम पे FIR करवाई गई है, तो मतलब कि सबको देखते हुए जो सच है वो सच ही होता है, ठीक है, जो सच मतलब कि जो सच होता है उसको दबा लेते हैं पाकिस्तान में, और जो झूठे पे मतलब कि उसको कसूरवार ठहरा देते हैं। ये मेरी सारी बात थी, ठीक है, ये वज़ीरे आला तक हमें पहुँचनी चाहिए कि हमें बेफजूल उधर फंसाया गया, अली रज़ा और मुझको, ठीक है, और जो TCT। लड़की है वो कसूरवार है? नहीं, लड़की लड़की तो बिल्कुल कसूरवार नहीं है, सही। ठीक है, वो क्योंकि वो फंक्शन पे गई ही नहीं थी। नहीं, आपने वहां पे जाके जो इंतजामिया थी यूनिक की, आपने बताया नहीं है उनको कि हम एंट्री करवा के अंदर आए हैं और परमिशन के साथ हमने ड्रोन चलाया, उसके बावजूद आप हम पे ये FIR करवा रहे हैं? देखें, सारा कुछ हमने दिखाया है, उनको प्रूफ भी दिखाया है, ठीक है, कि सर ऐसे हम आए थे ऐसे अंदर, अब मैंने अपना कार्ड भी दिखाया, उसी हम का ये कार्ड हम दे के अंदर गया हूँ कार्ड को, ठीक है, जब मैं वापस आया हूँ गार्ड चेंज था, अपना कार्ड दूसरे गार्ड से लिया है और घर आ गया हूँ, ठीक है उसके एक दिन बाद आपको ये पता चलता है कि वीडियो वायरल हो जी। गई। एक दूसरे दूसरे दिन मतलब कि पता चलता है कि ये चीज़ वायरल हो गई है वो आपने वाला, वो डाटा अपने पास नहीं रखा था सर? उनको कट कर दिया था या कॉपी किया क्योंकि था? हमने जब डाटा दे देना होता है तो हमें रखने की क्या ज़रूरत है, हम रखते नहीं हैं डाटा, ठीक है, बैकअप पे हमने नहीं रखते, वेडिंग्स का हम रख लेते होते हैं 1-2 दिन बैकअप का, क्योंकि वो कॉलेजेस का नहीं हम रखते, क्योंकि उसी टाइम दे दिया हमने, फॉरवर्ड कर दिया अपनी तरफ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप बोल रहे हैं कि हम पे FIR है वो झूठी हुई है, जी, बिल्कुल झूठी है, सबको सच का पता है कि जो ऊपर था सीन हुआ है, उन पे कोई FIR नहीं दर्ज करवाई गई, ना यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया है, ठीक है, हम अच्छा वहां पे आपने भी देखा कि वहां पे क्या सीन था, वहां पे असल सीन क्या बना? असल सीन तो नोटिस ही नहीं किया हमने, क्योंकि सारे हम पार्टी में मतलब के लगे हुए थे, उनकी मैं कवरेज कर रहा था,
ऊपर का कोई सीन नहीं पता, कोई ऊपर नहीं, वो सिर्फ दो स्टूडेंट थे, पता नहीं कौन है, कौन स्टूडेंट है या टीचर है। ठीक है, मैं सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक का व्यू ले रहा था, वो ले रहा था तो मोबाइल हीटअप होने की वजह से मुझे नज़र नहीं आया कुछ भी नीचे। सही। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ अलीशान मौजूद है जिन्होंने तमाम तफसीलात हमें बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फहद को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।